जिंदगी के सफर में जब तक नौकरी नहीं लगती है धक्के खाना है। जैसे नौकरी मिल जाएगी ना, पहले सीट कंफर्म होगी तब सीट पर बैठोगे, है ना। और सीट तुम्हारी ट्रेन की नहीं, राजधानी कंफर्म होगी, और सीट होगी एयर की, किसकी, जहाज की। ये धक्का जो आप धक्का खा खा रहे हैं, ये धक्का खाना जरूरी है। यहाँ से धक्का खाने के बाद ही इंसान सीखता है। आपने कष्ट झेला है, ट्रेन का सफर झेला है, कभी आपको बाद में राजधानी और एसी में जाएगा। और वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, जहाज पे चलना, 25-50 हज़ार रुपया महीना कमाना, अभी 5 हज़ार रुपया मुश्किल हो रहा है, अभी 50 हज़ार भी मुश्किल नहीं होगा। डे अपने टाइम से बीतता जाएगा, संडे आया तो संडे निकल जाएगा, 2000-3000 मिलना है, संडे को छुट्टी में 100% मिलना है, महीना बीतेगा, तनख्वाह बनता जाएगा। सरकारी नौकरी ना भाई, ऐसा हाँ, ऐसा तो नहीं कि आज कर लिया और कल नहीं किया तो कल नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज सिंह। एक बार फिर जो एडमिशन का प्रक्रिया जारी है वीडियो के अंदर, जो कि लड़का ये सिद्धार्थ नगर से आया है और महाराजगंज से आया है, आप लोग देख सकते हैं लगातार वीडियो का जो एडमिशन है, क्यों इतना ज्यादा एडमिशन है और लोग क्यों वीडियो पसंद करते हैं ये तो मैं बता ही रहा हूं। साथ में मैं लड़कों से भी जानना चाहूंगा कि वीडियो की च्वाइस क्यों इतना हाइपर हो रही है, और वाराणसी के अंदर, पूर्वांचल के अंदर एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है वो है वीडीए का। ये लोग भी बताएंगे इनके ग्राउंड पे भी क्या चर्चा चलती है वीडीए का, क्यों चलती है। दोस्तों वीडीए के अंदर रिटेन और फिजिकल का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया। मैं फिर बताया था कि यहाँ पे बहुत मुश्किल से आने वाले टाइम में आपको बहुत मुश्किल से जगह मिलेगा जो कि आप दोनों लोग हायर कर सकते हैं। चलिए मैं बार बार मैं अपने बारे में बोलता रहता हूँ, इन लड़कों से मैं पूछना चाहता हूँ। लड़के क्या नाम बेटा आपका? अजय वरुण। अजय वरुण। अजय वरुण कहाँ से बेटा? सिद्धार्थ नगर। आपका क्या नाम बेटा? हरेंद्र यादव। हरेंद्र यादव कहाँ से रहने वाले? महाराजगंज से। महाराजगंज से। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ आपको यहाँ कैसे पता चला मीडिया का एड्रेस? यहाँ पर हमारे भाई लोग 6 लोग आए थे, जिसमें 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, अमरीश यादव, बिट्टू और अमर पांडे, तीनों लोग का सिलेक्शन हुआ है। 2 लोग का सी था और अमरीश इसी अकेडमी से पढ़ के पास हुआ है। कौन है अमरीश, एक बात दिखाइए। ये है अमरीश यादव। ये यहाँ पे सम्मानित हुआ था, आया था? नहीं दोस्तों, ये लगा अमरीश यादव है जो कि वीडीए का स्टूडेंट है और इनके गांव का, इनके ग्राउंड का है, जो कि यहाँ मैंने इसको माला फूल नहीं बन पाया। आज ये लड़का ट्रेनिंग पे भी जा रहा है और बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनको मैं माला फूल नहीं पहना पाता सिलेक्शन के बाद भी, क्योंकि दूर दराज के लड़के रहते हैं, लेकिन ये है। आइए मैं इस लड़के से बात करता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? हरेंद्र यादव। हरेंद्र, आपको कैसे वीडियो का एड्रेस पता चला, क्यों आना चाहते हैं आप इसमें? क्योंकि मेरे पिछले बारे जो बड़े भैया आए थे, बलिराम प्रजापति और इंद्रेश यादव, काफी उन्होंने बड़ी मेहनत से परीक्षा दी और काफी मतलब पढ़ाई, लेकिन बलिराम यादव का यहाँ से सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने बताया कि ऐसी एक का नहीं हुआ था, एक का नहीं हुआ। देखो दोस्तों, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज रहती है। 2 लड़के थे, एक का हुआ है, तो हमने ये नहीं बोला कि एक का ही है, एक का नहीं हुआ तो भी बोलो नहीं हुआ है। एक का नहीं हुआ, एक का हो गया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जाइए, हर चीज की सुविधा, पढ़ाई से लेके रोजाना टेस्ट और हर चीज की क्लास, टाइम से क्लास, खाना पीना, रहने की व्यवस्था और ऐसी सस्ता पूरे कहीं नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में सस्ता कहीं नहीं है, जो हर समय आपका ध्यान रखती है और खाने पीने रहने की व्यवस्था है और पढ़ाई के साथ साथ हर चीज के आपके समस्या का समाधान है। ऐसी संस्था पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। आप आराम से जाइए और तैयारी करिए, आपका आप लोग का भी हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं बेटा मीडिया के बारे में? जो लड़के थे वो आपके ग्राउंड में क्या चर्चा चलती है मीडिया का, क्या चर्चा चलता है आपके ग्राउंड में? कि वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और सब टीचर सभी अच्छे पढ़ाते हैं और सब लोग ध्यान रखते हैं और खाना भी वहाँ का बहुत अच्छा है। दोस्तों खाना, पढ़ना और ग्राउंड, ये 3 चीज के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि आपका ग्राउंड, आप ऑलरेडी पता है कि वीडियो का ग्राउंड एकेडमी से सिर्फ 200 मीटर पीछे है। और खाना तो मैंने रिटेन वालों को जो दिया था तो वो दिया था, अब फिजिकल एंड रिटेन है तो उसके अलावा और अच्छा खाना देना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि उन लोगों का उस टाइम सिर्फ रिटेन था तो थोड़ा बहुत कमी हम लोगों में हो गई हो, लेकिन उस चीज को हम लोग और इम्प्रूव करके दूध वगैरह ऐड करके और अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे कि यार एक्चुअली में खाना, पढ़ना और रहना एकदम ब्रांड लेवल का वीडियो का। दोस्तों आप भोले नगरी काशी में है, भोले नगरी की नगरी है, दुनिया यहाँ पे एक पिकनिक प्लेस के तौर पे आना चाहती है और हर लड़का चाहता है कि एक बार बनारस जाए, वीडियो में जाए, संडे वगैरह को मौका मिले तो बनारस घूमे, घाट घूमे, ये हम घुमाएंगे। ये पढ़ाई लिखाई एंटरटेनमेंट के साथ ये सारी चीजें जरूरी है। दोस्तों इसी तरीके से एडमिशन जारी है और जारी रहेगा, आप लोग अपनी जगह
प्रॉपर तरीके से बुक कर लीजिए, वरना 4 तारीख का इंटर का एग्जाम खत्म होते ही वीडियो के अंदर नीचे रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।